Politics over an alleged land scam in Ayodhya has peaked ahead of UP polls. Congress General Secretary Priyanka Gandhi slammed the Yogi government over reports that land close to the Ram Temple site was sold to local MLAs, bureaucrats and their families. Priyanka alleged that corruption was taking place in the name of Lord Ram and demanded answers from Prime Minister Modi and Chief Minister Yogi. Priyanka also sought transparency in the donation drive for the Mandir and demanded a Supreme Court monitored probe into the alleged land scam. Priyanka's attack comes after a media report claimed that land records had found buyers of land parcels in Ayodhya in a 5-kilometer radius of the temple premises included local MLAs, close relatives of bureaucrats serving in Ayodhya, and these land deals were done right after the Supreme Court verdict on the Ram Temple. Chief Minister Yogi Adityanath has ordered an investigation into these allegations and has also sought a detailed report on the same. इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो मैं तो मेरे हिसाब से तो श्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं है, इस ये उन पर नहीं रुकती है, ये नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं उन तक जाती है, क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदारी है। सबने इसके लिए चंदा दिया है, जैसे मैंने कहा गरीब लोगों ने दिया है, माताओं ने दिया है, बहनों ने दिया है, अपनी जो बचत थी उसमें से दिया है, आस्था की वजह से दिया है, तो इस आस्था को इस तरह से चोट नहीं पहुंचा सकते। यूपी गवर्नमेंट हैज अपेरेंटली अनाउंस दैट इट्स गोइंग टू होल्ड एन इंक्वायरी इनटू दिस मैटर, बट हु इज होल्डिंग द इंक्वायरी? एन ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। नाउ यू हैव द मेयर एज अ विटनेस ऑन अ सेल डीड एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, ऑब्वियसली यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी इंक्वायरी टू हैपन बिकॉज यू हैव पुट a person of a district magistrate level in charge of the inquiry. So it's clear that no real inquiry is going to take place. What we are saying is the trust was formed on an order of the Supreme Court. The inquiry should be done at that level. It should be done at the level of the Supreme Court. भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेची जा रही है और कई ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं जो सरकारी अधिकारी हैं या उनके संबंधित लोग हैं या कुछ नेता के संबंधित लोग हैं, वहाँ जमीनें खरीदने लगे, जमीन वहाँ पे भूमाफिया पैदा हो गए। कमाल है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि भूमाफिया पैदा हो गए? प्रभु की जमीन पे भूमाफिया, इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जमीन खरीदते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर जमीन खरीदते हैं, तो जमीन के नाम पे जो जालसाजी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो चंदा चोरी का खेल अयोध्या में चल रहा है, इन बेईमानों को जेल में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT से उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। प्रियंका जी को ना अपना गिनोरा चेहरा शीशे में दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही कांग्रेस पार्टी घोटाले, भ्रष्टाचार, इसलिए उन्हें हर चीज़ में वो दिखता है। और दूसरा, उनको श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है ये पच नहीं रहा। प्रियंका जी, जांच शुरू है, और प्रियंका जी आपको अयोध्या और राम जन्मभूमि पर बोलने का अधिकार नहीं है किसी भी कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस एक ही पार्टी है, क्योंकि बाबर ने तो कोशिश की, कामयाब नहीं हुआ मस्जिद बनाना, लेकिन आपने तो बयान दिया अदालत में कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद बना।